हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शिप स्टोरीज विद सागर, विद मी सागर राजपूत। और सबसे पहले तो सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी ये जो वीडियो बन रहा है ये पता नहीं कब डालूंगा मैं, तब तक गणेश चतुर्थी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी कल ही थी तो मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कम वीडियोस बना रहा हूँ और आप लोग को बहुत कम वीडियोस देखने मिल रहा है, शेयर करने मिल रहा है। और एक्चुअली बहुत पहले हेक्टिक, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ हेक्टिक शेड्यूल था, केमिकल टैंकर में एक्चुअली प्रॉब्लम हुई है। मुझे वीडियोस तो बनाने हैं बट टाइम नहीं मिलता है, टाइम मिल गया तो नेट इतना नहीं है ताकि मैं अपलोड कर सकूँ। तो मैं यहाँ से वीडियोस पूजा को भेजता हूँ, वो उसमें एडिटिंग करके अपलोड करती है। तो प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि मुझे जितना टाइम मिल रहा है उतना मैं बना रहा हूँ वीडियोस आप लोगों के लिए। तो पहले तो ये वीडियो आप लोग को कब मिलेगा वो मुझे पता नहीं, अभी आगे भी नेट अच्छी स्पीड मिली तो मैं पूजा को भेज दूंगा तो वो जल्द से जल्द चढ़ा देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल द बर्थडे विशेस, बहुत लोगों ने विश किया, थैंक यू वेरी मच। और अभी हमारे शिप पे तो गणेश चतुर्थी के कुछ सेलिब्रेशन था नहीं, बट नॉर्मल जो है मिठाई वगैरह बनी थी, बस वही हमने खाई। और वही अभी हम जा रहे हैं इजिप्ट में अदाबिया पोर्ट, जहाँ पर हम डिस्चार्ज करेंगे। देन विल क्रॉस द स्वेज कनाल एंड वील बी गोइंग टू स्पेन, इटली एंड एंटवर्प रोटरडैम। तो अभी एक लंबी सेलिंग मिली थी बट थोड़ा वेदर बीच में ख़राब था, उसमें काम चल रहा था। अभी भी वेदर ठीक है बट थोड़ा रोलिंग भी नहीं बोल सकते, बट विंड थोड़ा ज़्यादा है, विंड फोर्स। हम दो दिन बाद पहुँचेंगे अभी अदाबिया, आगे का देखते हैं। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ आपको वीडियो किस बारे में है। ये वीडियो है जो हमारे कपड़े हैं वॉशिंग, उसके बारे में वीडियो। मैंने ये पहले भी वीडियो बनाया था वो चैनल पे पूजा के, बट अभी मैं वापस ये शिप पर बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मेरा दूसरा चैनल है। बहुत लोग उस चैनल पर मुझे फॉलो नहीं करते हैं, इस चैनल पर फॉलो करते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कि हम कपड़े कैसे धोते हैं शिप पर। यहाँ कोई बाहर कपड़े जाते नहीं धोने के लिए, हमें खुद ही धोने पड़ते हैं। और सभी को अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, मास्टर से लेके जो भी नीचे रेटिंग सके। सिर्फ जो लिनन वगैरह है, पिलो कवर्स, वो जो है वो ऑफिसर्स के जो स्टीवर्ड होते हैं वो जैसे जैसे क्लीनिंग करते हैं वैसे वैसे वॉश करके उसको चेंज करते हैं। तो पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर दो लॉन्ड्रियाँ होती है, हर शिप्स पर दो लॉन्ड्री होती है, एक ऑफिसर लॉन्ड्री, क्रू लॉन्ड्री। उसके बारे में आपको मैं और डिटेल में बताता हूँ। ओके, सो दो लॉन्ड्री होती है, एक ऑफिसर्स लॉन्ड्री, एक क्रू लॉन्ड्री। सो ऑफिसर्स लॉन्ड्री ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट वो एक तरह का ये है कि ऑफिसर्स लॉन्ड्री में ऑफिसर्स अपने कपड़े धोते हैं एंड क्रू लॉन्ड्री में क्रू अपना कपड़े धोते हैं। एक डिवाइड करके रखा है ताकि ना ऊपर नीचे ना हो कुछ, और एक लॉन्ड्री हो तो उसमें ज़्यादा लोग धोएंगे। तो जो 24 लोग होते हैं उनके लिए अलग अलग दो लॉन्ड्री होती है, वो मैंने बता दिया। अभी वॉशिंग मशीन्स शिप्स पर होती है, कपड़े आपको हाथ से नहीं धोने पड़ते, ठीक है। अब वॉशिंग मशीन्स भी कितनी होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, कपड़े कैसे धोते हैं वो पूरा आप वीडियो पूरा एंड तक देखिए। पर पहले मैं एक जनरल एक आपको बता दूं कि वॉशिंग मशीन्स दो होती है, मतलब मशीन सेम होती है बट दो, मतलब एक होती है बॉयलर सूट धोने के लिए, जो हमारे डेली यूज़ करते हैं हम पहनने के लिए, काम करने के लिए, उसे बोलते हैं बॉयलर सूट या कवरऑल्स। और एक आपके नॉर्मल सिविल क्लोथ्स जैसा मैंने पहना हुआ है, जो आप काम नहीं करते जो कपड़े पहनते वो कपड़े धोने के लिए। ये मशीन्स दो अलग इसमें डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज बॉयलर सूट जो होते हैं वो ज़्यादा गंदे होते हैं, तो उसके साथ अगर आप सिविल क्लोथ्स धोएंगे तो वो भी ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी ग्रीस लगा होता है, कभी पेंट लगा होता है, तो वो आपके सिविल क्लोथ्स को ख़राब कर सकता है। तो डेडिकेटेड दो मशीन्स हम पहले से उसको सेपरेट करके रखते हैं, मार्क करके रखते हैं कि ये ओनली फॉर बॉयलर सूट्स एंड द अदर वन ओनली फॉर सिविल क्लोथ्स। ड्रायर्स का बता दूँ तो अभी कपड़े सुखाने के लिए यहाँ पर रूम में कोई जगह नहीं होती, डेडिकेटेड प्लेसेस होती है। जैसे एक ड्रायर रूम होगा यहाँ पर जो है, वो एक ही ड्रायर रूम है क्रू लॉन्ड्री के अंदर। और दूसरा होता है एयर ड्रायर्स होते हैं शिप पे, जैसा हमारे मशीन्स में कभी कभी होते हैं ड्रायर्स जो ड्राई होके आता है, बट यहाँ पे अलग से एयर ड्रायर्स होते हैं जो आप चालू कर सकते हैं, जो गर्म हवा से कपड़े को पूरा पूरा अच्छे से ड्राई कर देता है और बहुत इफेक्टिव होता है। तो जो ऑफिसर लॉन्ड्री में हमारे यहाँ वो एयर ड्रायर है, और क्रू लॉन्ड्री में ड्रायर भी है प्लस ड्राइंग रूम भी है। ड्राइंग रूम में क्या होता है, बेसिकली कॉयल्स होते हैं हीटिंग के, तो वो गर्म रखते हैं, तो वो गर्म एक अलग कंपार्टमेंट होता है, उसमें आप कपड़े सुखा दो तो वो धीरे धीरे कपड़े सूख जाते हैं। जैसे हम नॉर्मली अपने घर में बाहर सुखाते हैं सनलाइट में वगैरह, वैसे ये आर्टिफिशियल एक ड्रायर रूम हो। तो कपड़े धोने का नॉर्मली क्या होता है कि लॉन्ड्री हम हमेशा ओपन रखते हैं,
डिपेंड करता है पानी के ऊपर। अगर आपके शिप पर फ्रेश वाटर जो है अगर ज़्यादा है, आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो फ्रेश वाटर जनरेटर में, तो हर दिन ओपन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभी पोर्ट स्टेज कम हो जाते हैं तो पानी का जो जनरेशन है वो कम हो जाता है, देन हमें सोच समझ कर लॉन्ड्री ओपन करनी पड़ती है। बिकॉज लॉन्ड्री अगर हम ओपन करेंगे तो उसमें पानी कंज्यूम होता है ज़्यादा, बिकॉज 24 लोग जो है, 24 लोग अपने कपड़े धोएंगे, तो एवरेज पकड़िए आप हर दिन 2 या 3 लोग अपने कपड़े धोते ही है, तो उसमें पानी कंज्यूम ज़्यादा होता है। तो उसको बचाने के लिए हम लॉन्ड्री फिर ऑल्टरनेट डेज खोलते हैं, 3 दिन में 1 बार या 4 दिन में 1 बार। कभी कभी बंद भी करना पड़ता है 3 4 दिन के लिए अगर पानी ज़्यादा आप नहीं बना रहे हो शिप्स पे। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ शिप्स। पानी ज़्यादा बना रहे हो आप तो लॉन्ड्री हमेशा ओपन रख सकते हो, पानी कम बना रहे हो तो वो डिपेंड करता है मास्टर पे कि उनको कैसे ओपन रखना है। तो वो डिपेंड करता है अपने अपने शिप्स टाइप्स पर, डिपेंड करता है आपका जनरेशन और कंजम्पशन कितना है। उसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। हम लोग जो है जो अभी इंडिया की सेलिंग कर रहे थे तब हमारे पोर्ट स्टेज काफ़ी ज़्यादा था, तो हमने बीच बीच में लॉन्ड्री ऑल्टरनेट डेज खोली। अभी लंबी सेलिंग है तो पानी का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो हमने उसको फुल टाइम ओपन रखा है तो कि लोग अपने कपड़े आराम से धो सकते हैं। गर्मियों में क्या होता है कि बॉयलर सूट्स आपको एवरी ऑल्टरनेट डेज धोना पड़ता है, बिकॉज 3 बॉयलर सूट्स ही कंपनी देती है, तो अगर आप नहीं धोएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं होता हाइजीन के हिसाब से भी। इसके लिए गर्मी में थोड़ा ज़्यादा ओपन रखना पड़ता है। बाकी ठंड के क्लाइमेट में जाएंगे तो पसीना ही नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली आपको बॉयलर सूट इतना धोने का नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये सिविल फ्लोर्स तो क्या आप अंदर रहते हैं, अंदर एसी है तो ज़्यादा इसे धोने नहीं ज़रूरत नहीं पड़ता, बट फिर भी 3 4 दिन या हफ्ते में 1 बार आपको इसको भी धोना पड़ता है। तो मैं आपको लॉन्ड्री का एक टूर दूंगा, बताऊंगा लॉन्ड्री में क्या क्या है, कपड़े कैसे धोते हैं, मशीन्स चालू करके भी बता दूंगा कैसे धोते हैं, ड्रायर कैसे करते हैं। और बाकी तो कुछ नहीं है, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कमेंट दो तो आप कर ही देंगे। और चलिए फिर मैं आपको लेके चलता हूँ लॉन्ड्री में और बताता हूँ कपड़े कैसे धोते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं कपड़े धोने, पहले मैं कपड़े ले लेता हूँ। तो ये रहे सिविल क्लोथ्स, 1 2 3 4, आधे से ज़्यादा तो मेरी जर्सीज है, बकेट तो मैंने ऑलरेडी रख लिया है, तो ये सब जाएंगे बकेट में। सॉक्स 1 2, कुछ और सॉक्स, एक और ट्राउजर, और ये तो अच्छा ही, हाँ एक ये शॉर्ट्स, ये तो अच्छा ही है, मैंने पहना नहीं है। बाकी सब कपड़े, वो टी शर्ट भी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किए। रेडी, तो गाइस कपड़े रेडी हो गए हैं और अभी मैं चलता हूँ लॉन्ड्री में जहाँ पे मैं कपड़े धोऊँगा, और मैं आपको बताता हूँ कि कितने मशीन्स है, ड्रायर्स है, लॉन्ड्री रूम कैसे दिखता है और हम कैसे कपड़े धोते हैं। वॉशिंग मशीन तो यूज़ करना सबको आता है, बट हर शिप्स पे अलग अलग मशीन्स होती है अलग अलग टाइप्स की, बट मोर और लेस वर्किंग सेम ही होता है। जैसे हमारे घर पे जो मशीन्स होते हैं वो ऑन टॉप लोड ऑन टॉप वाले होते हैं जो ऊपर आप खोलते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ है जो नीचे से खोला जाता है, तो वैसे दोनों मशीन्स हैं हमारे यहाँ पे। तो पहले मैं सिविल क्लोथ्स दूंगा, उसके बाद मैं दूंगा अपने बॉयलर सूट्स। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ लॉन्ड्री। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गया, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो है वो सभी को दिया जाता है, मतलब स्टोर में आता है और सबको एक एक पैकेट दिया जाता है 1 महीने का। अगर आपका ख़त्म हो जाएगा तो स्टीवर्ड जो है वो इंचार्ज होता है, तो आप स्टीवर्ड से ले सकते हैं, जितना आपको धोना है आप उतना अपने पास रखिए, इसको धोइए और उसके बाद में अपने केबिन में रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके बिना तो कुछ फ़ायदे का नहीं है धोके। तो ये मैं भूल गया था तो मैं वापस लेने आया हूँ, तो चलिए अभी चलते हैं। तो हम पहुँच गए लॉन्ड्री, ये मेरे डेक पे ही है। चलिए चलते हैं अंदर। तो ऐसे दिखती है लॉन्ड्री। ये जो है ये ड्रायर है, ये जो है ये भी एयर ड्रायर है, ये जो है ये वॉशिंग मशीन है और ये भी वॉशिंग मशीन है। तो जैसा मैं बता रहा था, ये लोड ऑन टॉप वाली है और ये दूसरी वाली है। ये जो है ये सिर्फ बॉयलर सूट्स के लिए है और ये जो है ये सिर्फ सिविल क्लोथ्स के लिए है। तो अभी मैं इस पर अपने कपड़े डालूंगा। तो गाइस ये वाली मशीन भी खाली हो गई जिसमें बॉयलर सूट डालते हैं,
लकीली अभी फिफ्थ इंजर आया था, उसने अपने बॉयलर सूट निकाल दिया और उसने अभी ड्रायर में डाल दिया है यहाँ पर, तो मुझे बॉयलर सूट के लिए भी जगह मिल गई है। तो अभी मैं बॉयलर सूट भी डालूंगा और सिविल क्लोथ भी डालूंगा और मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले हम डालेंगे बॉयलर सूट, ये रहा बॉयलर सूट, ये जाएगा इसके अंदर, ये लिड है, इसको बंद करना है। इसमें प्रोग्राम ऑलरेडी सेट है क्विक वॉश, यही सेलेक्ट करके रखा है क्योंकि इसमें पानी ये कम कंज्यूम करता है और जल्दी वॉश करता है। और ये है डिटर्जेंट डालने के लिए जगह, यहाँ पर मैं डालूंगा डिटर्जेंट। अब इसको करते हैं बंद, ये ऑलरेडी ओके। अब इसको करते हैं क्विक वॉश, पावर ऑलरेडी ऑन है, इसको करते हैं स्टार्ट। अब ये स्टार्ट होएगा धीरे धीरे। ओ यहाँ पे लिखा है प्रेस सॉफ्टली, मैंने जोर से दबा दिया, ओके अभी स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं लाइट फ्लिकर होने चालू हो गया और अंदर पानी की भी आवाज आ रही है, मतलब अभी ये थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया है, तो ये रहे मेरे क्लोथ सिविल क्लोथ्स। इसको मैं पूरा उल्टा कर दूंगा इसके अंदर ही, कपड़े आ गए हैं। अभी ये मशीन जो है ये नई आई हुई है, तो इसमें मुझे पता नहीं डिटर्जेंट शायद मुझे लगता है डायरेक्ट ही डालना है, तो मैं डिटर्जेंट डालता हूँ इसमें अभी। आप करते हैं इसे बंद, ओके आप करते हैं इसे स्टार्ट, पावर ओके। इसमें भी प्रोग्राम है, वन वन इज नॉर्मल जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, वन नॉर्मल है, स्टैंडर्ड फास्ट सॉफ्ट वॉश ओनली सोक, तो वन मैं वन सिलेक्ट करूँगा। इसमें टाइम भी दिखा रहा है 42 मिनट से बहुत ज़्यादा है, पानी काफ़ी वेस्ट होगा। ये वन है 42 मिनट्स, टू है 43 मिनट्स, थ्री है फास्ट, ये है 21 मिनट्स, तो हम ये सिलेक्ट करते हैं बिकॉज इसमें पानी कम वेस्ट होगा। स्टार्ट। तो गाइस कपड़े धुल चुके हैं, बॉयलर सूट भी धुल चुका है, सिविल क्लोज भी धुल चुके हैं। अभी मैं इसको निकाल के डालूंगा साथ ही में ड्रायर में। तो ड्रायर में डालने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपके पॉकेट्स में कुछ रैक्स, वो तो धोने से पहले ही नहीं होना चाहिए एक्चुअली, रैक्स कॉइन्स या ऐसे कुछ चीज़ें मेटल के ऑब्जेक्ट्स, और रैक्स स्पेशली यहाँ पे नहीं होना चाहिए बिकॉज ये काफ़ी गर्म होता है अंदर जब ये स्पिन होता है ड्राई करने के लिए, तो चांसेस ऑफ फायर है। तो आपको पहले अपने पॉकेट सब अच्छे से चेक करने चाहिए कि आपके पॉकेट्स में कुछ होना, फिर ही आपको इसमें डालना है वॉशिंग मशीन में, नहीं तो मशीन भी ख़राब हो जाएगी प्लस फायर के चांसेस भी ज़्यादा है। तो अभी मैं कपड़े डालूंगा ड्रायर में और अराउंड आधा पौना घंटा देखूंगा ड्राई हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो जाएगी, तो मैं ले लूँगा या तो फिर मैं अगर सो जाऊँगा तो फिर मैं उसे बाद में ले लूँगा कल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दूसरा अगर आता है तो आपके कपड़े निकाल के यहाँ पे रख देगा, वैसे तो कोई लेके भागेगा नहीं यहाँ पे कपड़े क्योंकि सब शिप पर ही है, तो उसका कोई टेंशन नहीं कि आपके कपड़े गायब हो जाएंगे। अगर आपको सेफ साइड में रहना है तो आप अपने बॉयलर सूट पे अंदर की तरफ या कुछ बाहर की तरफ आप अपना नाम या इनिशियल कुछ लिख सकते हो, अगर क्योंकि सबके बॉयलर सूट एक तरह के होते हैं, तो आपको अगर इनकेस लगता है कि आपका बॉयलर सूट कोई और ले जाएगा ऐसा कुछ, तो आप अपना नाम लिख सकते हो, वैसे तो कोई लेता नहीं है, सब शरीफ लोग ही है शिप पर मुझे पकड़ के। तो चलिए मैं अभी डालता हूँ इसको ड्रायर रूम में और फिर मैं आपको मिलता हूँ बाद में। तो पहले मैं निकालूंगा बॉयलर सूट और ये धुल गया है और आप कलर देख सकते हैं कि थोड़ा पिंक हो गया है, एक्चुअली ये फुल वाइट है और इसका ये जो है ये ब्लू है, तो क्या हो जाता है कि ये धोने के बाद ये जो ब्लू कलर है ये छोड़ देता है और ये वाइट पे आ जाता है, ये हर टाइम का बॉयलर सूट का यही प्रॉब्लम है।
बट कोई नहीं, धुल गया एटलीस्ट। अभी मैंने इसको भी डाल दिया, अब मैं ये भी निकालूंगा, तो इसके लिए मुझे दोनों हाथ यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये सेम ही है, इसको डाल के इसमें मैं डाल दूंगा, एंड देन इसमें ऑलरेडी सेट करके रखा है ये, बस इधर से मुझे स्टार्ट दबाना है तो ये ऑटोमेटिकली घूमते रहेगा। और एक ही अलार्म आता है इसमें अगर आप खोलेंगे तो, जस्ट सेफ्टी के लिए बताने के लिए कि ये खुला हुआ है और आपको इसको बंद करना है, वरना ये रोलिंग वोलिंग में इधर उधर मार देगा। तो चलिए मैं इसको डालता हूँ इसमें और आपको मिलता हूँ बाद में। तो गाइस आपने देख लिया मैंने कैसे कपड़े धोए, मतलब मैंने नहीं धोए, वॉशिंग मशीन ने धोए, बट कैसे यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन। जनरल है, जो शिप्स पर है उनको तो पता है, बट जो नए लोग हैं जो आते हैं, आप फेमिलाइज हो जाते हैं, कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा या कुछ करेगा। नॉर्मली जो मशीन्स पे प्रोग्राम है ना, हम क्या करते हैं, जैसी मशीन्स नई आती है तो जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर है और सेकेंड इंजीनियर है या मैं हूँ या कोई भी है, और तो हम लोग क्या प्रोग्राम जो है वो सेट करके रखते हैं कि ये नॉब को इतने पे रखना है ताकि वो क्विक वॉश में रहे, पानी कम कंज्यूम हो और अच्छा एफिशिएंट हो, तो हम लोग वो सेट करके रखते हैं। तो और एक पोस्ट कार्ड लगा के रखते हैं वहाँ पर कि प्रोसीजर क्या है, क्या कैसे यूज़ करना है, क्योंकि सब लोग आते हैं तो सबको नहीं पता होता और टाइमिंग सबका अलग अलग होता है धोने का। लॉन्ड्री हमेशा खुली रहती है अगर खुली रहेगी तो, वरना जैसे मैंने आपको पहले बताया अगर ऑल्टरनेट डेज ओपन रखना है तो हम उसको लॉक कर देते हैं, फिर कोई यूज़ नहीं कर पाता। मैं तो नॉर्मली आप कभी भी आपको धोना है, आपके वॉच खत्म हुई 8 से 12 या सुबह 4 से 8, जब भी आपकी वॉच हो आप उसको धो सकते हैं और कपड़े वहाँ वहीं पर ड्रायर में या नीचे ड्राइंग रूम में सुखा सकते हैं। और पोर्ट्स में हम नॉर्मली वॉशिंग मशीन्स ये सब बंद रखते हैं बिकॉज ये ग्रे वाटर में सब जाता है, देन वी डोंट यूज़ इट इन द पोर्ट्स, तो पोर्ट में हम लोग बंद रखते हैं। और ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है कि टाइमिंग्स है या कुछ है कि ये बंदा ये टाइम पे धोएगा वो बंदा ये टाइम पे धोएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट कोई कोई शिप्स में अपने अलग अलग होता है कि ऑल्टरनेट डे ऐसा ऐसा कुछ होगा, बट हमारे शिप्स पे नहीं है। और बड़े शिप्स पे आप जाएंगे तो लॉन्ड्री रूम बड़ी होगी तो आपको मशीन्स और ज़्यादा मिलेगी। ये केमिकल टैंकर है पार्सल टाइप, तो यहाँ पे मिनिमम आपको 2 मशीन्स मिलेंगी, 2 ड्रायर्स मिलेंगे, वो तो आप शिप्स पर कोई भी शिप पर आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है आपको। तो यही था एक लॉन्ड्री रूम का टूर, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं और वीडियोज़ बनाने ट्राई करूँगा जल्द से जल्द, आप लोग को और थोड़ा जानकारी मिले, और क्वेश्चंस भी बहुत लोगों ने कमेंट्स में पूछा है, मैं जितना हो सकता है उतना जल्दी जल्दी रिप्लाई करूंगा। सॉरी अगर आप लोग को थोड़ा लेट, बहुत लोगों ने पूछा मैंने देखा, बट क्या इंटरनेट बीच बीच में काम नहीं कर रहा था, वाईफाई का भी थोड़ा इशू था क्योंकि सैटेलाइट से चलता है तो बीच बीच में थोड़ा ऑफ होता है, तो बात करने में इतना मिलता नहीं था मुझे घर में भी। तो जितना जल्दी हो सके मैं आप सबके कमेंट्स पे भी, आपके क्वेश्चंस पे भी रिप्लाई करूंगा और मैं और वीडियोज ऐसे बनाते रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए शिप्स विद सागर को। तो चलिए मैं चलता हूँ, आपको मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ और शिप के बारे में और कुछ जानकारी देने के लिए। टिल देन टेक केयर, वैक्सीनेशन लीजिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।